नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने से संबंधित वीडियो मैंने आपकी सहायतार्थ पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन वहां भी कुछ लोगों को या कुछ साथियों को शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने में मुख्य रूप से कुछ समस्याएं आ रही है, इसलिए मुझे आज आपके साथ पुनः आना पड़ा है इस वीडियो को लेकर। तो साथियों, बात करते हैं कि साथियों को किस तरह की समस्या आ रही है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने से संबंधित। सबसे पहली समस्या आ रही है उनको कि प्रशिक्षण की एंट्री किए बिना अपना शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सेव नहीं हो रहा है। दूसरी समस्या आ रही है TAF किसको भरना है, किस पद वाले साथी को TAF भरना है। उनकी तीसरी समस्या है गलती से यदि TAF लॉक हो गया है तो वो अब क्या करें। उसके अलावा एक और समस्या साथियों को आ रही है NIC ID जो हमारे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र पर शो हो रही है वो हमारी NIC ID से मेल नहीं खाती है। और अगली जो समस्या साथियों को आ रही है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र में कब से कब तक की सूचनाएं दर्ज हमें करनी है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं रामनिवास मेहरा। इस वीडियो में इन सभी समस्याओं का हल लेकर आज आपके साथ उपस्थित हूँ, और आप भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, आपको बिल्कुल आपके समस्याओं का हल निकालने में मदद मिलेगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें सबसे पहली समस्या का समाधान हम करेंगे कि हमारे प्रपत्र 10 को कैसे प्रशिक्षण से अपडेट करें। सबसे पहले साथियों, आपको आपके प्रशिक्षण एंट्री करने के लिए आपके प्रपत्र 10 को अपने PO महोदय से रिक्वेस्ट करके अनलॉक करवाना अनिवार्य है, तभी आप अपने विद्यालय लॉगिन से उसमें सूचनाएं अपडेट कर पाएंगे। तो मैंने मेरा प्रपत्र 10 जो है उसको अनलॉक करवा रखा है। मैं बताता हूं आपको कि किस तरह आपको वहां प्रशिक्षण की एंट्री करनी है। सबसे पहले आपको इस विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा जहां एक ऑप्शन है साथियों स्टाफ का, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस ऑप्शन पर क्लिक किया हमारे सामने यहाँ बीच में ऑप्शन आ चुका है एलिमेंट्री स्कूल स्टाफ डिटेल प्रोफाइल एंट्री फॉर्म 10, ये वाला जो फॉर्म है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब इस तरह से प्रपत्र 10 हमारे सामने खुलकर आएगा। यहाँ साथियों हमें हमारी संपूर्ण डिटेल दी हुई है, सुरक्षा कारणों से मैंने कुछ डिटेल को यहाँ छुपाया हुआ है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले कार्य का ऑप्शन, यहाँ हमें ग्रीन कलर में लिखा हुआ है कि प्रपत्र भरने एडिट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यदि आपके प्रपत्र में कोई और भी गलती है तो आप यहाँ अनलॉक करवा कर यहाँ एडिट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके बात सीधे मुद्दे पर आते हैं साथियों। यहाँ 10वें नंबर पर हमें दिया हुआ है कि प्रशिक्षण विवरण। तो साथियों आपकी कोई गलती नहीं है, आपने फॉर्म में कोई गलती नहीं कर रखी है, तो हमें डायरेक्ट यहाँ प्रशिक्षण विवरण वाले कॉलम पर आना है। यहाँ देखना है हमें Y लिखा हुआ है, इस Y पर हमें सीधे क्लिक कर देना है। मैं भी क्लिक कर लेता हूँ और आगे बताता हूँ आपको प्रक्रिया। जैसे ही हम प्रशिक्षण वाले Y पर क्लिक करेंगे इस तरह का प्रपत्र हमारे सामने आएगा। यहाँ हमें नीचे की ओर जाना है साथियों। इस पेज पर इस तरह से हमारे सामने प्रशिक्षण का विवरण हमारे सामने खुलेगा। अब जो भी प्रशिक्षण हमने कर रखे हैं वो यहाँ मैंने मेरे सारे चढ़ा रखे हैं तो ये डिस्प्ले हो रहे हैं। यदि आपके नहीं चढ़े हुए हैं या अगर एक भी प्रशिक्षण नहीं दिखाई देता है तो आप अपनी उपस्थिति पंजिका या आपका OD जो रजिस्टर है उसमें से आपकी OD निकाल कर यहाँ इन प्रशिक्षणों की जितने भी प्रशिक्षण आपने किए हैं उनकी एंट्री करें। फिलहाल हमसे यहाँ जो सूचना मांगी जा रही है 1 जनवरी से 30 जून तक की मांगी जा रही है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जितने भी आपने प्रशिक्षण कर रखे हैं उनको यहाँ एंटर कर दें। तो मैंने पहले 17 कर रखे हैं तो 17 की ही एंट्री ऊपर है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ एक सेव करके बताता हूँ एक कि प्रशिक्षण आपको कैसे दर्ज करना है यहाँ पे। तो साथियों सबसे पहले हमें यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। यदि आपने कोई ट्रेनिंग करी है या कोई नहीं करी है, जो भी आपके सामने यहाँ पूरी लिस्ट है आपने प्रशिक्षण लिया है तो उसमें से सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ एक समस्या और आ रही है साथियों को कि निष्ठा की ट्रेनिंग हम कैसे शो करें। तो यहाँ अन्य का ऑप्शन है साथियों, तो यहाँ जैसे मैं अन्य पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ डेट का कॉलम हमारे सामने आ रहा है। अब हमारे सामने अगला ऑप्शन है डेट सेलेक्ट करने का, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और हमारे सामने एक कैलेंडर बॉक्स यहाँ आ जाएगा। यहाँ से मैं एक जो आपको एक कैलेंडर बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें से ईयर मंथ सबसे पहले यहाँ ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करने, उसके बाद तारीख
जो आपकी डेट है वो हमें सेलेक्ट करनी है। फिलहाल मैं जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ 18 सेलेक्ट कर लिया है, तो जैसे ही मैंने यहाँ सेलेक्ट किया 18/8/2020 मेरे सामने डिस्प्ले होने लगा है। अब आगे यहाँ जैसे ही इसके हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें जो हमारा प्रशिक्षण हमने लिया है उसके दिवस की संख्या पूछी जा रही है, कितने दिन का आपने प्रशिक्षण लिया है, यदि आपने एक दिन का लिया है या चार दिन का लिया है तो वो संख्या यहाँ दर्ज करेंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ एक दर्ज कर रहा हूँ, तो ये यहाँ साथियों एक आ चुका है। अब अगला ऑप्शन हमारे सामने यहाँ डिस्प्ले हो रहा है कि आपको सेलेक्ट करना है आपकी भूमिका क्या रही थी, वहाँ शिक्षक की रही थी, प्रधानाध्यापक की रही थी, प्रशिक्षक की रही थी, सामग्री निर्माता की रही थी, तो जो भी आपकी भूमिका रही हो आप यहाँ से चयन कर ले। फिलहाल मैंने यहाँ शिक्षक चयन किया है। अब यहाँ साथियों हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है आपके प्रशिक्षण का। जैसे मैंने निष्ठा का मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ लिख देना है शॉर्ट में निष्ठा ट्रेनिंग, बस इतना सा करना है। मैं लिख लेता हूँ साथियों, ये साथियों मैंने यहाँ निष्ठा ट्रेनिंग लिख दिया। उसके आगे ऑप्शन है कि आपका प्रशिक्षण किसने आयोजन करवाया था, डाइट ने करवाया था, समग्र शिक्षा ने करवाया था, RSCERT ने करवाया था या गैर सरकारी संगठन ने करवाया था। तो फिलहाल मैं यहाँ समग्र शिक्षा सेलेक्ट कर रहा हूँ। आगे जो ऑप्शन है साथियों, इस प्रशिक्षण आपको कैसा लगा, किस तरह का रहा, उसकी ग्रेडिंग आपको यहाँ शो करनी है। तो फिलहाल जैसे मैं यहाँ ए सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ ए सेलेक्ट कर लिया है कि ए ग्रेड का प्रशिक्षण था। अब उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है साथियों सेव का, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से शाला दर्पण हमारे सामने प्रोसेस करेगी और यहाँ ऊपर लिखा आएगा प्रशिक्षण सेव सक्सेसफुल, माफ़ करें साथियों लिखा आएगा डाटा सेव सक्सेसफुल। तो ये देख लीजिए आपका, मैं यहाँ 18 मैंने 17 पहले से दर्ज करे हुए थे प्रशिक्षण, अब यहाँ 18 हो चुके हैं, मतलब मेरा जो प्रशिक्षण था वह अब 18वें नंबर पे यहाँ निष्ठा ट्रेनिंग का दर्ज हो चुका है। साथियों मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया है कि आप प्रशिक्षण इस तरह से दर्ज करेंगे, फिलहाल ये जानकारी सही नहीं है। तो अब हमें अगर आपका भी गलत हो जाए इस तरह से, तो यहाँ एक ऑप्शन है साथियों डिलीट का, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। मैं यहाँ क्लिक करके भी आपको बता देता हूँ, ये देख लीजिए साथियों जैसे मैंने वहाँ क्लिक किया हमारे सामने आ चुका है कि डिलीट करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि ये प्रविष्टि गलत है। एक बार प्रविष्टि डिलीट करने के बाद प्रविष्टि को पुनः देखा जाना संभव नहीं होगा, तो हमें यहाँ यस कर देना है, क्योंकि आपका यदि गलत हुआ है तो मैंने यहाँ बस आपको डेमो बताया, मैंने गलत दर्ज किया था, इसलिए मैं यहाँ यस कर रहा हूँ। फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, क्या आप इस प्रविष्टि को पूर्ण रूप से डिलीट करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ यस कर देना है। ये देख लीजिए साथियों वापस डिलीट हो चुका है, 17 ही प्रशिक्षण मेरे यहाँ रह गए थे वो रहे हैं। अब आपको जब आपका प्रशिक्षण पूरी तरीके से जो भी आपने प्रशिक्षण लिया उनको आप सेव कर दें, तो उसके बाद हमें यहाँ फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें फाइनल सबमिट कर देना है। फिर उसी के नीचे साथियों एक लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर जो शाला दर्पण पर रजिस्टर है उस पर एक OTP आएगा, उसको डालकर आप फाइनल लॉक कर देंगे। उसके बाद आपका शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरें, बिल्कुल आपको आपके प्रशिक्षण वहाँ दिखाई देंगे और जो उसका TAF का भाग 3-4 है वो आपके सामने वहाँ सेव भी होगा और लॉग भी होगा। अब बात करते हैं साथियों अगली समस्या की, तो वो समस्या है आप TAF किसको भरना है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में कि किन साथियों को TAF भरना है। तो इसके लिए साथियों मैंने आपकी सहायता तो TAF भरने से संबंधित वीडियो पहले ही जारी कर रखी है, यदि आपने उसे नहीं देखा तो अवश्य देखें। मैं फ़िलहाल यहाँ कुछ समस्याओं का ही समाधान आपके साथ करने का प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि मैं भी पूरी तरह परिपक्व नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुझे आता है वो आपको भी सिखाऊँ। यदि इस वीडियो में कोई गलती हो तो निश्चित ही मुझे कमेंट में बताएँ, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। आप बात करते हैं कि किसको TAF भरना है, तो यहाँ एक साथियों हमें ऑप्शन मिल रहा है कार्मिक का मूल पद, तो हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे हमारे सामने यहाँ कार्मिक की हमारी पूरी सूची खुलेगी जो इस तरह से है, आप यहाँ चेक करेंगे। यदि आप इस सूची में जो पद आपको दर्शाए दे रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं इनसे मेल खाते हैं, आपका पद इससे मेल खाता है, तो निश्चित ही आपको TAF भरना है। और हमारे कुछ व्याख्याता महोदय मुझसे प्रश्न कर रहे थे कि क्या हमें भी TAF भरना है, तो साथियों फिलहाल अभी यहाँ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आप आपके जो PO महोदय हैं या नियंत्रण अधिकारी है उनसे संपर्क करें, यदि वो कहें तो आप अवश्य इसको भरें। उसके अलावा अब हमारे सामने यहाँ जो अगली समस्या है कि यहाँ जो NIC ID हमें दिखाई दे रही है
वो हमारी शाला दर्पण की NIC ID से मेल नहीं खाती है, तो इसके लिए भी साथियों मैंने कुछ हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उनसे राय ली है। तो उनका कहना है कि ये जो NIC ID यहाँ दिखाई दे रही है वो पे मैनेजर की NIC ID हमें दिखाई दे रही है, लेकिन मैं भी इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। शीघ्र ही मैं इसके लिए अलग से वीडियो जारी करूँगा। यदि ये गलत है तो इसको संशोधन कैसे करेंगे? मैं भी अपने PO महोदय या मेरे नियंत्रण अधिकारी से बात करूँगा कि क्या ये NIC ID सही है। तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों अगली जो हमारी समस्या है कि हमें TF कब से कब तक के अवधि के दौरान का भरना है, तो उसके लिए साथियों मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें यहाँ ऊपर स्पष्ट दिया हुआ है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक की अवधि में जो उन्होंने कार्य किया है उसी से संबंधित सूचनाएं हमें यहां प्रविष्ट करनी है। यदि आपकी नियुक्ति इस अवधि में नहीं है तो आप अपने PO महोदय से संपर्क करें कि हम TAF भरें या नहीं भरें, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। फिलहाल मैं यहां आपको इतना ही कह सकता हूं कि आपका जो ये पूरा TAF शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरा जा रहा है, इसमें जो भी सूचनाएँ भरी जा रही है वो 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 की ही भरी जा रही है। इसके बीच में यदि आपने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसको भी दर्ज करेंगे, या आपका जो भी यहाँ पूरा इन महीनों का समीकरण रहा है कार्य करने का उससे संबंधित ही हमें यहाँ सूचनाएं भरनी है। अब बात करते हैं साथियों अगली समस्या की। तो वो समस्या आ रही है कि कुछ साथियों के यहाँ अंत में सेव का ऑप्शन जिस तरह मेरे यहाँ दिखाई दे रहा है उनको ये सेव का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो साथियों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हो सकता है आपने गलती से फाइनल लॉक आपके डाटा को कर दिया हो, इसलिए यहां सेव का ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं मिल रहा होगा। मैं बिल्कुल अभी फ़िलहाल करके देख रहा हूं कि यहां सेव का ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपने गलती से उसको फाइनल लॉक कर दिया होगा। फाइनल लॉक होने के बाद ये सेव का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी कंडीशन में अभी फ़िलहाल हमारे PO महोदय के पास जैसी मेरी सूचना है कि वहाँ जो PO लॉगिन के ऊपर ये TAF अप्रूव का ऑप्शन ही प्रारंभ नहीं हुआ है, यदि आपका गलती से कुछ सूचनाएं यहाँ गलत प्रविष्ट हो गई हो और फाइनल डाटा लॉक हो गया हो, तो आपके PO महोदय ने बिल्कुल पूरे राजस्थान में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं उनके ऊपर आप उनको सूचनाएं दे दें कि हमारी सर हमारे TAF को अप्रूव नहीं करें, उसमें कुछ गलतियां हैं। तो वो निश्चित ही जैसे ही उनके जो PO लॉगिन पर ऑप्शन ये अवेलेबल होगा या तो वो आपको सूचनाएं देंगे कि भाई आपको क्या करना है, या वहां से अगर अनलॉक का ऑप्शन होगा तो वो आपके लिए यहाँ अनलॉक करेंगे। उससे संबंधित वीडियो भी मैं निश्चित रूप से आपकी सहायतार्थ लेकर आऊँगा। जैसे ही TAF अप्रूव का PO लॉगिन पर ऑप्शन अवेलेबल होगा वहाँ से आपकी समस्याओं को कैसे समाधान किया जा सकता है उससे संबंधित भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ साथियों जो आपकी समस्याएं आ रही है TAF बनने में ये वीडियो निश्चित ही उनको हल करने में मदद करेगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।